Hello students, welcome back in one more English lesson, and today's lesson is for 8th class. So lesson name is the treasure within. Okay, treasure mean you know khazana, or within is andar, theek hai, means apne andar hi matlab khazana hona, theek hai, us sense mein hai iska. So dekhi isko dekhte hain before you read. स्टेबल कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार. इट्स फाइन हियर, ठीक है ना अभी. ऑलराइट, ये है बिफोर यू रीड. पढ़ने से पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या है. एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर, ठीक है. प्रत्येक जो बच्चा होता है उसके मतलब पोटेंशियल होता है कुछ करने का, कुछ क्षमता होती है कुछ अचीव करने की. एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर और हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. मतलब देखो किसी कोई भगवान ने जो बच्चा बनाया था ना उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग ही अपने टैलेंट होता है, कुछ पोटेंशियल होता है, क्षमता होती है कुछ पाने की, ठीक है, जो सबसे कुछ हटके होती है, ठीक है. वो डिपेंड करता है उसके लर्निंग पे और एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है ना. फॉर एग्जाम्पल देर आर सो मैनी सब्जेक्ट्स विच यू स्टडी, क्लियर. तो उसमें क्या आपको जोन सा अच्छा लगता है, आप किसी का इंटरेस्ट है, कोई मैथमेटिशियन बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई कुछ बनता है, ठीक है. तो अलग अलग एक्सपीरियंस उसके बेस पर कह रहे हैं. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. इट इज़ बेस्ड ऑन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन, ये जो वर्ड आपका है ना, आप इसको क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते होंगे, ठीक है. बट दिस इज़ यू नो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन. ओके, तो ये कॉन्वर्सेशन किसके बीच है, बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्स, अ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, ठीक है, द वैली स्कूल बैंगलोर, एंड मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट्स, ठीक है. किन किन के बीच है, एक इंटरव्यू है, ये स्टोरी जो आपकी जो द ट्रेजर विद इन है, ठीक है, एक रियल स्टोरी है. ओके, और इसमें क्या है, एक भाई वे दो एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन चीज़ों का, ठीक है. तो इसका नाम हफीज़ है इसलिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर वैसे जोड़ दिया गया है. और ये क्या है, आर्किटेक्ट्स है. आर्किटेक्ट्स क्या होता है, केवल आर्किटेक्ट नहीं है, क्या है, वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट्स, मतलब बहुत बढ़िया मतलब जाने माने आर्किटेक्ट है. आर्किटेक्ट क्या होता है, जैसे भाई कोई मकान बनते हैं, कोई बिल्डिंग बनती है ना, कोई स्कूल की बिल्डिंग बनती है, या कोई वैसे बिल्डिंग बन रही है, कोई पुल वगैरह बनता है, कोई भी अपने सिविल कंस्ट्रक्शन में देखा होगा ना, कोई भी सड़क वगैरह बनती है, कोई भी इमारत बनती है बड़ी से बड़ी जो भी है, ठीक है. जैसे आपने उसका सुना होगा स्काई स्क्रैपर, अभी बताता हूँ उसके मीनिंग, उसको वो है ना क्या बोलते हैं उस बिल्डिंग का नाम, जो सबसे भारत में सबसे भारत की नहीं मतलब वर्ल्ड की सबसे टॉप जो हाइट है उसकी सबसे ज़्यादा हाइट है. यू रिमेंबर, यू कैन ऑल्सो थिंक वट इज़ दैट, वॉज द नेम ऑफ दैट बिल्डिंग. वेल इट्स नॉट कमिंग इन माई माइंड एक्चुअली ना, आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट दैट. स्काई स्क्रैपर बोलते हैं उसको, स्काई स्क्रैपर क्या होता है, गगनचुंबी इमारत, ठीक है. तो गगनचुंबी इमारत वो होता है, आप सोचना वर्ल्ड की जो टॉप वो कौन सी है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, स्लिप हो गया बिल्कुल ही, ठीक है, बीच में आके तुम्हें बता दूंगा. तो इनके बीच इंटरव्यू है मिस बेला राजा, ठीक है, और मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, ठीक है. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय, ठीक है. जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वो क्या था, एक अनहैप्पी स्कूल बॉय था, मतलब ना खुश था. ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. मैथमेटिक्स गेव हिम द सीवर्स, ठीक है. मतलब क्या है उसको, ही लव्ड डूइंग थिंग्स, चीज़ों में मतलब कुछ अलग करने में कुछ अच्छा लगता था उसको, चीज़ें काम करने में पसंद था, ठीक है. लेकिन उसको जो मैकेनिकल लर्निंग है, मैकेनिकल क्या होता है, जो भी पुर्जे नहीं होते, कोई भी मशीनीकरण, वो उसको जो अच्छा नहीं लगता था, उससे घृणा होती थी. डिटेस्टेड का मीनिंग यहाँ पे है घृणा, हेट. मैथमेटिक्स गेव हिम द सीवर्स, जो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको क्या है, उससे भी उसको झुरझुरा अपनाता था, वो उसको अच्छा नहीं लगता था, ठीक है. वट इज़ प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिज हिम डीपली, ठीक है. एक बार क्या है, उसके प्रिंसिपल ने कुछ कहा उससे, और वो क्या है उसको अंदर तक जो इतना गहरा जो उसको प्रभावित किया. इन्फ्लुएंस क्या होता है, प्रभावित करना. ओके, देखो एच सी, ये अभी से इंटरव्यू में आपको देखेंगे, जो एच सी है ये अपना क्या है,
हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, और बीआर जो है ये आपको बताया था मैंने, बेला राजा, जो कि कौन है, एडिटर ऑफ स्पर्स। तो इनके बारे में इंटरव्यू है, टीवी भी देखा होगा ना, इंटरव्यू कोई भी लेते हैं आमने सामने बैठते हैं, हम बातें करते हैं आपस में, तो वो जो है कॉन्वर्सेशन रहेंगी इनकी। क्लियर। आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, ठीक है। नाइटमेयर क्या होता है आपका, देखो पहले देखो टेरिबल, टेरिबल क्या होता है, भयानक। नाइटमेयर, नाइटमेयर क्या होता है, डरावना सपना। हम कई बार नहीं कहते भाई आज मेरे को क्या आया, डरावना सपना आया था नाइट में ना, तो जो डरावना सपना होता है उसको हम बोलते हैं नाइटमेयर। लेकिन इसके इस वर्ड के पीछे मत जाना, नाइट होती है रात, मेयर होती है घोड़ी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, डरावना सपना। आई यूज़ टू हैव दिस टेरेबल नाइट मेयर, ठीक है, मतलब क्या है, वो पहले जब उसको काफ़ी जो है डरावने भयानक जो है सपने आते थे। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड, ठीक है, लेकिन अब जो है 4-5 सालों से जो है ये बिल्कुल नहीं आते हैं, डिसअपीयर हो गए, अब नहीं आते। बी आर जो बेला राजा है न्यूज़ रिपोर्टर, वो कह रही हैं, वट नाइट मेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर्ड नाउ, ठीक है, मतलब किस टाइप के जो नाइट मेयर आप बात कर रहे हैं और आपको क्यों लगता है कि जब वो ख़त्म हो गया। तो एस सी क्या कहते हैं, हफीज़ क्या कह रहे हैं, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, आई यूज़ टू गेट कंटिन्यूस नाइट मेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनी थिंग, नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइट मेयर्स, ठीक है। किस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि भाई जो उसको पहले जो कंटिन्यूस जो है नाइट मेयर आते थे, डरावने सपने आते थे, किस चीज़ के लिए, अपीयरिंग फॉर मैथ्स एग्जामिनेशन, जो मैथ्स के एग्जामिनेशन जो वो दे रहा हो, ठीक है। वेयर का मतलब यहाँ पे जहाँ आई डोंट नो एनीथिंग, जहाँ मैं उसको कुछ नहीं जानता था, मतलब मैथ्स की चीज़ें कुछ नहीं आती थी, ठीक है। नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, ठीक है, अब जो मतलब मेंटलिटी हो चुकी थी, साइकी क्या होती है आपकी मेंटलिटी, माइंड और मेंटलिटी कह चुकी, ठीक है, तो उसकी मेंटलिटी हो चुकी थी, उसको डर लगता था उस चीज़ से, ठीक है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, उसके एजुकेशन के बारे में सोचना नहीं पड़ता था, और अब तो क्या हो गया, अब ये ऐसा कुछ नाइटमेयर्स है नहीं, क्योंकि वो बड़े हो गए ना इसलिए। ओके, फ्लिप योर पेज। वेट वंस प्लीज, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो अब क्या कह रहे हैं, बी आर जो न्यूज़ रिपोर्टर है वो कह रही हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल, ठीक है, कि हमें जो है अपनी जो आपकी अर्लीस्ट मेमोरी है आपकी स्कूल के बारे में वो बताइए। इन द एच सी जो हफीज़ रिपोर्टर है वो क्या कह रहे हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, पहले और जो है सेकेंड ईयर में आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, मैं जो है पहला अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, मतलब पहली क्लास और दूसरी क्लास में तक तो क्या अच्छा स्टूडेंट था वो, ठीक है। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड, ठीक है, और मेरा जो है बिल्कुल इंटरेस्ट उसमें खो गया और मैं कभी भी नहीं पढ़ा। अगर देखो, आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर, ठीक है, मतलब क्या है, यूज़ टू की बात हो रही है, फ्यूचर पास्ट में जो हैबिट है उसके लिए बता रहा है, ठीक है। क्या वो करता था, मतलब इंटरेस्ट होता था उसको खेलने में, रनिंग अराउंड इधर उधर दौड़ने में, ठीक है, प्लेइंग जोक्स मारने में एंड प्रैंक्स ऑन अदर, प्रैंक्स होता है दूसरों को मतलब मजाक उड़ाना, उसमें में व्यंग करना, शरारती जो नहीं होते शरारती बातें ऐसे करके वो मजाक उड़ाना ऐसे उसमें मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग इन द एग्ज़ाम, ठीक है, आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, ठीक है। वो क्या करता था भाई, जो भी हमने पेपर वगैरह होते थे उसमें क्या कॉपी करता था, नकल करता था, ठीक है। आई वुड कॉपी इन क्लास, ठीक है, नकल किया करता था और क्या करता था, एग्जामिनेशन पहले उन्हें जो क्वेश्चन पेपर होता था ना वो पहले ही सोचता था कि क्वेश्चन पेपर मुझे मिल जाए और मैं उसमें पढ़ लूँ, पहले ही तैयारी कर लूँ था। क्यों? क्योंकि उसको जो भी पढ़ा लिखा जो कुछ याद नहीं रहता था, जो भी उसको सिखाया जाता था वो भूल जाता था, ठीक है। एक चीज़ इसमें आप ध्यान कीजिए, जब भी हम पास्ट की हैबिट बताते हैं अपनी तो स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं यूज़ टू, ठीक है, लेकिन वो जैसे कंटिन्यू चलता है कि भाई मैं ये खेलता था, वो खेलता था, ये करता था, वहाँ जाता था, वो करता था, ठीक है, ये खाना खाता था, मतलब जहाँ पे जाता था पास्ट की हैबिट कंटिन्यू हम बता रहे हैं तो उसमें पहली बार जो है यूज़ टू आएगा, उसके बाद जो अभी आप चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे उसमें वुड होगा,
I would copy in the class during exam times, ठीक है, आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, तो वुड आ गए ना यहाँ पे, तो जो भी चीज़ें हैं वुड से बताएंगे, इसका मतलब यहाँ पे फ्यूचर को नहीं बता रहा कि करूँगा एग्जाम में कॉपी करेगा ये, कि जो भी पास्ट हैबिट होती है फर्स्टली क्या यूज़ करते हैं, यूज़ टू, उसके बाद जो भी उसको एक्सप्लेनेशन होती है उसमें वुड यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है इसको। यस, यहाँ हावेवर, हावेवर होता है हालांकि, हालांकि लेटर बाद में, वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ, ठीक है, एक सेंटेंस जो है मेरी प्रिंसिपल ने जो है मुझसे बोला और वो क्या है मेरी लाइफ को चेंज कर दिया उसने, ठीक है, तो देखते हैं क्या है, ये रियल स्टोरी है, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लगने वाली है ये, देखते हैं। व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड लुक हियर सन, ठीक है, मतलब इस 11th स्टैंडर्ड में था, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और मुझे कहा इधर देखो बेटे, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, ठीक है, मैं आपको पहले दिन से देख रहा हूँ, यू आर अ गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडीड, ठीक है, आप जो है बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन आप कभी नहीं पढ़े, आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, ठीक है, आज तक जो आपकी जो है ध्यान रखा है मैंने आपका, नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू सो यू डू इट योर सेल्फ, ठीक है, अब जो है मैं आपकी ज़्यादा जो है देखभाल नहीं कर सकता, अब आपको जो है खुद अपनी देखभाल करो, नो लॉन्गर होता है, कोई भी हम जो कई बार नहीं खेलते हैं, कई बार कहते हैं सॉरी कि भाई आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, आई यूज़ टू प्ले हाइड एंड सिक, ठीक है, ऐसे तो बोलते हैं कि मैं ये खेलता था लेकिन कई बार नहीं कहते अब नहीं खेलता, तो उसको ये भी कह सकते हैं कि भाई आई डू नॉट प्ले नाउ, ठीक है, तो उसकी जगह बेटर होगा कहना नो लॉन्गर नाउ, ठीक है, लेकिन अब नहीं कहते नहीं भाई आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं, तो नो लॉन्गर ये एक फ्रेज है सुंदर सा, आप इसको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, ओके। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, उसने क्या मुझसे पाँच मिनट के लिए बात की, ठीक है, क्या कहा उन्होंने, यू डोंट हैव योर फादर, आपके पास आपके पिता भी नहीं है, उनके पिता जो डैड हो चुके थे पहले, योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड all your fees all these years but you have only played games, ठीक है, कि आपके जो फादर भी नहीं है और आपकी जो मम्मा इतनी मेहनत करके जो कुछ करती है आपके लिए वो सब कुछ आपके लिए करती है लेकिन आपका जो उसके प्रति कोई वो नहीं है, इतनी मेहनत से वो जो है फीस करती है वो करती है लेकिन आप क्या करते हैं केवल खेलते हैं, कोई गेम में ध्यान नहीं, किसी प्रकार का कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं है, क्लियर। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेशन एंड स्टडी, ठीक है, अब आपके पास मौका है और आपको कुछ लाइफ में कुछ करना है, ठीक है, ओकेशन होता है अवसर मौका, ठीक है, आपके पास अब जो है कुछ करना है आपको लाइफ में, ठीक है, तो स्टडी करो एंड स्टडी। आई यूज़ टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, ठीक है, मैं जो है बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ क्या करता था, कौन बता रहा है, हाफिज़ बता रहा है। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो द क्रिकेट कैप्टन, यस, ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हुआ करता था, ठीक है, वो चैंपियन भी हुआ है अपने, सीनियर चैंपियन हुआ है कई सालों तक, ठीक है, और क्रिकेट का कैप्टन भी रहा हुआ है। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, ठीक है, मैं हमेशा जो भी गेम खेलता था बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन उस साल जो है मैं उस खेलने के लिए नहीं गया। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, ठीक है, मैं क्या करता था जो प्रेयर करता था वो खाता था और बस स्टडी करता था। आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी एंड पास, ठीक है, मैं नॉर्मली क्या करता था कॉपी करता था और बस पास होता था, बट आई रियलाइज्ड दैट वंस आई वाज इन एसएससी आई कुड नॉट डू दैट, ठीक है, लेकिन मैंने रियलाइज़ करना होता है एक्सपीरियंस करना अनुभव करना, ठीक है, मुझे पता लगा कि भाई जब मैं एसएससी में था तो मैं जो है पास नहीं कर सका। एसएससी क्या होता है, एसएससी होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर इसमें जॉब्स वगैरह जो हैं ऑफर आती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, ठीक है। व्हेन आई गॉट अ सेकंड चांस 50% इन माय एसएससी माय प्रिंसिपल सैड सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट डिस्टिंक्शन दिस इज माय मेमोरी ऑफ माय स्कूल डेज, ठीक है, मतलब क्या कहा था कि भाई जब मैं अपने उसमें था तो 50% पाया था तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा था कि ये अच्छा स्कोर है कोई बात नहीं आपने इतना तो किया, ठीक है, ये विशेष था, डिस्टिंक्शन क्या होता है आपको विशेष सम्मान अच्छा था, ठीक है, तो ये बता रहा है कि भाई दिस इज़ माय मेमोरी ऑफ माय स्कूल डेज, इसको मेमोरी नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे मेमोरी, क्या बोलेंगे मेमोरी, ओके, ये जो है उसके स्कूल की जो है कुछ यादें हैं जो किससे शेयर की उन्होंने इंटरव्यूअर के साथ, ओके।
आगे देखो भाई, आई डिड लॉट ऑफ अदर थिंग्स सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कॉन्ट रिमेंबर आई फगेट. या एक इस वर्ड को पढ़ो पहले आप, क्या है भाई FORGET, इसका क्या प्रोनाउंसिएशन बोलते हो आप? सोचो अपने माइंड में, सोचो मुझे बताओ क्या प्रोनाउंसिएशन पे बोलते हो. क्या आप फॉरगेट बोलते हैं कि भाई मैं भूल गया, आई फॉरगेट, ठीक है. बट एक्चुअली लेट मी टेल यू, दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. द राइट प्रोनाउंसिएशन इज फॉरगेट. क्या बोलेंगे? फॉरगेट. भाई मैंने आपको कुछ बताया, काम बताया था और आप भूल गए, तो क्या बोलेंगे? सर आई फॉरगेट. फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको बोलेंगे फॉरगेट. फॉरगेट, क्लियर. सो रिमेंबर नेवर से इट फॉरगेट. क्लियर. राइट मेंशन इज फॉरगेट. आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, ठीक है. मैं चीज़ों को बहुत ही आसानी से भूल जाता था. टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, ठीक है. याद करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता था? फोटोग्राफ्स यूज करना पड़ता था इसमें. बुक एंड आई कैन रिमेंबर दैट मैटर एज अ फोटोग्राफ बट आई नॉट थ्रू माई माइंड दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है. जो भी कुछ मतलब याद करता है ना, उसकी फोटो देख कर याद होता था उसको, मतलब जो लेटर्स वगैरह उसको याद नहीं होती थी चीज़ें. प्रैक्टिकली मतलब पिक्चर रूप में यूज़ करता था. और ये एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी है, इसके बारे में कभी क्लास में बताएंगे, ठीक है. वन यू वर इन स्कूल, ठीक है. बी आर, कौन है ये इंटरव्यूअर पूछ रहा है? When you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? ठीक है. जब आप स्कूल में थे और जब how you were doing, मतलब कुछ जब आप बेकार काम कर रहे थे. doing badly का मतलब क्या है? जो आपकी परफॉर्मेंस है वो ख़राब थी, ठीक है. तो आपके टीचर जो है आपको जब कुछ भला बुरा कहते तो आपको कैसा महसूस होता था, ये पूछ रहे हैं. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है क्या रिप्लाई कर रहे हैं? I never felt anything on being pulled up. I used to be so interested in playing. I would receive a caning every week. ठीक है. मतलब क्या है, मुझे इससे कोई ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था. बस कोई भले कुछ भी कहे, नो प्रॉब्लम. मेरा किस में इंटरेस्ट रहता था? खेलने में रहता था, ठीक है. और प्रत्येक जो वीक को मुझे क्या लगती थी? कैनिंग. कैनिंग क्या होती है? आपकी जो हमें डंडे मारते हैं टीचर, कोई भी टीचर आपको डंडे मारते तो क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं स्टिक. तो वो होते हैं कैनिंग. डंडे छड़ी लगते थे, डंडे मारते थे. रिसीव करना, डंडे से पिटाई होती थी बस. और कुछ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डंडे से मारो, क्योंकि उसको किसमें इंटरेस्ट था? बस ओनली प्लेइंग. ये जो है वो एक जिसकी आप बात करें नालायक बच्चा है वो ये है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा है. इसकी आगे देखते हैं कुछ स्टोरी. बी आर इंटरव्यू पूछे, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड द wrath ऑफ टीचर बट नॉट डूइंग योर होमवर्क or by behaving badly, when you knew you would get caning, was that a state of mind? State of your mind. तो क्या था, ठीक है. ये कह रहे हैं कि जब आपको पता था कि भाई आप सब कुछ दुर्व्यवहार कर रहे हो, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है वो नहीं पढ़ रहे हो आपको, ठीक है. तो सब कुछ जो है, सब कुछ काम दिया जाता है वो नहीं कर रहे हो, तो आपको मतलब किस तरीके से वो था, आपका टीचर के प्रति कैसा व्यवहार था, ठीक है. कि आपको पता था कि भाई उसको डंडे खाने वाले, तो आपको क्या स्टेट ऑफ माइंड होती थी, क्या सोचते थे आप, ठीक है. ये कह रहे हैं HC कॉन्ट्रैक्टर जो क्या कह रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड, मन की दिशा. जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, ठीक है. क्या होता था, मतलब कुछ नहीं होता था कि भाई हाथ ऊपर खड़े करो और डंडे खा लो, ठीक है. इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट इट, देन आई हैव टू फॉरगेट इट, forget about it because I would want to go and play. कुछ नहीं होता था, ज़्यादा कुछ हाथ ऊपर खड़े करते थे और डंडे खा लेते थे, और वह खा के उसको डंडे को बुलाना पड़ता था. दर्द तो होता था, खैर है ना, आई हार्ट बैडली, बहुत दर्द होता है, डंडे खाने से दर्द होता, लेकिन क्या है उसको बुला देते थे और क्या खेलने चले जाते वापस, ठीक है. क्यों? क्योंकि मुझे खेलना ज़्यादा पसंद था. ओके, इंटरव्यू क्या कह रहे हैं? यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंडेड, ठीक है. आपने कभी जो असुरक्षा और डर का कभी मतलब अभाव नहीं हुआ, कभी फील नहीं हुआ आपको? तो हफीज़ जी कह रहे हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स. ये कह रहे हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो किस में था? केवल खेल में था और किसी में नहीं था. आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, ठीक है. किस में ज़्यादा इंटरेस्ट था इसमें? फ़नी प्रैंक्स, मतलब शरारती, मतलब उसमें करना, मजाक उजाक करके, मतलब शरारती उसमें वो करना.
शरारती कामों में ज़्यादा, फनी प्रैंक्स, ठीक है। वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, ठीक है, उसने एग्जांपल दे रहा है कि क्या हुआ था। देखो, वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मैं कभी मतलब एक दिन ये पढ़ना नहीं चाहता था, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। क्रिएट होता है करना, बनाना, ठीक है, क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, वो कोई भी चीज़ है, अभी जैसे पढ़ाई कर रहे हो आप, पर्टिकुलर आप भी स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पीछे से कोई भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है ना, तो वो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन। कोई भी हमारा जो माइंड है वो वहाँ से हटाता है कोई चीज़ों के लिए, होता है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। तो उसने क्या क्या क्रिएट किया, एक डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। फॉर वन वॉल आर वी प्लेड चोर पुलिस, है ना, एक घंटे के लिए हम क्या खेले, पूरा चोर पुलिस खेले। Every Saturday we were allowed to go into town to see a movie, ठीक है, प्रत्येक शनिवार को जो हम अलाउ थे, आज्ञा थी हमें कि आप मूवी देखने जा सकते हो। So what I would do was have no lunch and collect money from 40 to 50 students and run and buy the tickets, ठीक है। एक दिन लंच नहीं किया और क्या किया, 40 से 50 मतलब स्टूडेंट्स के पास जो पैसे इकट्ठा किया और कहा क्या किया, फिर टिकट खरीदी, ठीक है, मूवी वगैरह की टिकट खरीदी और वहाँ पे खरीदी। और On my way back, I would eat to my heart's content, ठीक है, जो मुझे अच्छा लगा मतलब जो हमने खाया, ठीक है, मूवी देखी कुछ खाया ऐसे उड़ाया उसमें, ठीक है। I used to be the leader of gang, ठीक है, गैंग होती थी, गैंग मतलब कैसे कि भाई जैसे कुछ शरारती लड़के होते हैं ना, कुछ जैसे कि दूसरे को मारना पीटना, तो उसको गैंग बोलते हैं उसको, ठीक है, गैंग होती थी। तो वो क्या होता था गैंग का लीडर। We would have gang fights and plan strategies, ठीक है, हम क्या है अपनी गैंग होती थी हमारी फाइटिंग की, ठीक है, और हम प्लान करते थे कि क्या स्ट्रेटेजी है, अभी कब किससे लड़ना है, क्या कुछ किसी को पीटना है इसमें में। दीज थिंग्स यूज़ टू इंटरेस्ट मी मोर देन माई अकेडमिक्स, ठीक है, इन चीज़ों में क्या है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, किससे, पढ़ाई। देखो भी आगे क्या करें, स्टूडेंट्स यूज़ टू book my textbooks for the following year because they were almost brand new, I probably opened them one day before exam। देखो कितना अच्छा गाया इसने, क्या गाया कि भाई स्टूडेंट्स हैं ना, पहले जो है मेरी जो सीनियर होते थे मतलब जूनियर होते थे मेरे, तो पहले जो मेरी बुक्स लेते थे, क्यों, क्योंकि पूरे साल में क्या है मैंने मतलब ब्रांड न्यू होती थी वो, पूरे साल में क्या है जब एग्ज़ाम होती तब एक दिन या दो दिन पहले ही खोलता था, उनका पूरे साल तो पढ़ना नहीं था ना, तो इसलिए उनके पूरी जो बुक्स नहीं होती थी उनकी खरीदते थे। ठीक है, आगे देखो। यस, ये इंटरव्यूअर क्या कह रहा है, बीआर क्या कह रहे हैं, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, ये मैंने जो बताया था ना, जो व्यक्ति है अभी हफीज़ है, इनकी जो बात कर रहे हैं, कौन है, आर्किटेक्चर क्या होता है कि भी जो भी भवन बिल्डिंग वगैरह जो भी होती है ना उनकी जो बिल्डिंग वगैरह उनके जो नक्शे बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, वो होते हैं आर्किटेक्चर। क्लियर, देखो क्या कह रहे हैं, हाउ डिड यू गेट इन द इस फील्ड में मतलब कैसे आए आप, तो क्या कह रहे हैं, इन द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80-85% वॉज अलाउड टू एंटर, ठीक है, इस मतलब ऐसे कॉलेज में क्या है जब उसमें टेस्ट हुआ था तो ऐसा कोई नहीं था कि जिसको मतलब ऐसा अलाउ नहीं था, जिसकी 80-85% से कम हो तो उनका एडमिशन वहाँ पे नहीं होता था। आई हैड ओनली 50%, ठीक है, मेरी कितनी थी 50% थी। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, ठीक है, उसका क्या आर्मी में एडमिशन जो उसका लेटर भी आया था लेकिन उसकी आंट जो उसको फाड़ दिया था, टीयर होता है ना, टीयर टोर तो सेकंड फॉर्म में टीयर की, उसको फाड़ दिया था। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, उसने क्या डिसाइड किया कि वो जो है पुलिस फोर्स ज्वाइन करे। माय मदर सेड, मेरी मम्मा ने कहा, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे के अंदर एक जय हिंद कॉलेज है, वहाँ पर गया, किस लिए गया, ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि उनकी मम्मा ने मना कर दिया कि पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करनी, ओके, उनकी मम्मी ने क्या बोला कि ग्रेजुएशन करनी है। माय मदर सेड, मेरी ये हो गया, देयर आई वाज टू, इसका देखो क्या बोलते हैं, इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, इसका सोचो, माइंड में सोचो, यस, क्या सोचा ना, किसी ने इधर सोचा होगा, किसी ने आइधर सोचा होगा, यस, ऐसा ही कुछ, बट एक्चुअली लेट मी टेल यू, हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे इंग्लिश होती है अपनी ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है, तो इसमें जो आइदर है वो किस में बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में, और इधर किस में बोलते हैं,
अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। तो दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है, बट एक्चुअली हम जो इंडिया के अंदर यूज़ करते हैं अपनी ब्रिटिश लैंग्वेज, ठीक है, अमेरिकन लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। अमेरिकन लैंग्वेज अपनी जो है अमेरिका वगैरह वहाँ पे यूज़ की जाती है, अपने यहाँ पे यूज़ करते नहीं है। बट एक्चुअली यू नो नॉलेज इज़ गुड, सो दिस इज़ पता होना चाहिए क्या चीज़ क्या है। जैसे आपको अमेरिकन में बताया था अभी, जैसे अपने ब्रिटिश में बिस्किट को बिस्किट बोलते हैं, ठीक है, अमेरिकन में क्या करते हैं कुकी, इस तरीके से। टीवी या टीवी क्या बोलते हैं वहाँ पे, अमेरिकन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, या इडियट बॉक्स, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। सो देयर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन, ठीक है, वहाँ पे लैंग्वेज थी, या तो क्या लेनी थी, फ्रेंच लेनी थी या फिर जर्मन। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 ईयर्स, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, यदि भी जो है मैंने फ्रेंच पढ़ी थी कितने टाइम के लिए, 7 सालों के लिए। आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, ठीक है, लेकिन मुझे क्या है 7 शब्द भी नहीं पता था फ्रेंच लैंग्वेज के, जबकि उसने क्या है, दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 ईयर्स, 7 साल के लिए उसने फ्रेंच पढ़ी थी, लेकिन उसको 7 वर्ड भी नहीं पता था फ्रेंच में। सो आई टुक जर्मन, तो इसलिए उसने क्या ले ली, जर्मन। देन माई जर्मन टीचर डाइड, उसको क्या हुआ, फिर जो जर्मन ली थी ना उसके अंदर जो जर्मन टीचर था, फिर वो क्या हो गया, डाइड हो गया, मर गया। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच, ठीक है। तो उसने क्या कहा अभी कॉलेज वाले, या तो भाई आप जर्मन फ्रेंच लैंग्वेज लो या फिर आप कॉलेज चेंज करो। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अदर कॉलेज, अनदर कॉलेज, ठीक है, अब मुझे क्या है दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, ये क्या है, मुझे पहले जो है इसमें अप्रोच से, कहते ना किसी की सिफारिश से जो है ये इसमें एडमिशन मिला है। एक वर्ड है यहाँ पे आपको, जय हिंद जो है कॉलेज का नाम है, ठीक है, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का यहाँ पे सेंटेंस में मीनिंग देखिए क्या है, इसमें है सिफारिश, ठीक है। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, इसमें इसका मीनिंग है आपका सिफारिश, इन्फ्लुएंस। इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है इसका किसी भी प्रभावित होना, ठीक है, प्रभाव डालना, ठीक है, कोई कहते ना भाई उनकी जो है कोई भी उसके पास कोई टैलेंट है उसको वास्तव में उस चीज़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस होता है प्रभावित करना, ठीक है। जैसे यह ऐसे उनकी जो प्रिंसिपल हैं उनको कुछ बात बताई थी ना, कुछ सेंटेंस बोला था, उनसे क्या है वो इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए वो। तो यहाँ पे 2 मीनिंग है, यहाँ पे इस सेंटेंस में मीनिंग हो गया इसका सिफारिश, और वैसे दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका, क्या होता है, प्रभावित होना। ओके, यस, आगे देखो। सो आई थॉट, ठीक है, तो उसने क्या सोचा, ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, ठीक है। उसने क्या सोचा कि ठीक है पहले इस कॉलेज में सिफारिश से लगा था, दूसरा कॉलेज में कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो क्या उसने क्या सोचा फिर, ठीक है फ्रेंच ले लेते हैं, आई विल टेक फ्रेंच, ठीक है, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, दोबारा से जो है फ्रेंच उसने सीखना शुरू किया। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कजिन, ठीक है, उसने कहाँ से सीखा, कज़न से सीखी, सी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, ठीक है, वो क्या है आर्किटेक्ट्स की जो है वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, ठीक है, कहाँ जा रहा था वो, आर्किटेक्ट के पास जा रहा था, क्या सीखने के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है, ये है। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर द डे, सो हाफ चैप्टर यू हैव डन एंड हाफ वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो ओके, आई होप यू are getting properly, yes or no, you know this story is very inspirational, so learn it properly, okay, listen it properly. So that's enough for the day, okay, so see you in the next video lecture, until then bye bye, goodbye, bye for now.